जसवीर के पिता अपने बेटे के जाने का गम भुला नहीं सके और हाल ही में उनकी भी मृत्यु हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों, ये वीडियो बनाने का स्पेशल पर्पस मेरा ये है कि अभी जैसा कि आपने एक क्लिपिंग देखी है और इसके बाद मेरी वीडियो मेरी इस वीडियो के पार्ट के बाद आप बहुत सारी काफ़ी एक लेंथी क्लिपिंग देखेंगे जिसमें कि दिखाया गया है कि रिकवरी एजेंट्स के हरासमेंट की वजह से कैसे किसान लोग अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो बेसिकली इस पर्पज से बना रहा हूँ कि एक तो आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है लोगों के बीच में और लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, एंड सेकेंडरी जो मेरा मेन मोटो और पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का, ये शूट करने का, वो ये है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, कितने बुरे हालात हैं, कभी भी रिकवरी वालों से डरना नहीं है और आत्महत्या जैसे कदम बिल्कुल भी भूल के नहीं उठाने हैं। रिकवरी वाले भी इंसान हैं, लेकिन अगर वो आपके सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप लात मार सकते हो उनको, उनको सबक सिखा सकते हो लीगली तरीके से, प्रॉपर वे में। तो अपने राइट्स को प्रॉपरली जानिए, समझिए कि कैसे उनको हैंडल करना है और अपने जान देने जैसी चीज़ें, ऐसी गलती मत कीजिए। सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब हो, अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन कभी भी ये ऐसे नेगेटिव थॉट्स मत लाइए अपने दिमाग में जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एंड करें और उसके बाद में आपकी पूरी फैमिली को उस चीज़ के लिए सफ़र करना पड़े। तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। इससे पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ ही दूरी पर अम्मा गांव के किसान गुरचार सिंह के परिवार में भी अब कोई भी पुरुष नहीं बचा। अब इस घर में सिर्फ गुरचार की पत्नी परवीन कौर और उनकी दो बेटियां रहती हैं और अब अकेली परवीन इस कर्ज से भी छुटकारा पाना चाहती है और अपनी बेटियों के भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहती है। उनके परिवार में अब एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो परिवार के लालन पालन के लिए कुछ कर पाए। यहाँ पर सिर्फ औरतें, मर्द कोई नहीं, और अपना गुजर बसर वो बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सरकार का सहायता मिले ना, सू पंचायत मैंबर ने दिता भी किसी ने कोई भी सहायता नहीं अच्छे से मिले बिना मुझे बस हमारी पढ़ाई के लिए हमें पैसे की काफी जरूरत पड़ती है और हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर चलना चाहिए और हमें पढ़ने लिखने के लिए और ब्याह के लिए हमारी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है, हमारा कहीं से कहीं कोई हल होना चाहिए। जब हम पंजाब में विधवाओं के गांव से ये रिपोर्टिंग कर रहे थे तभी हमारी मुलाकात करमजीत कौर के परिवार से हुई। इस परिवार का किसान बेटा भी कर्ज की वजह से अपनी जान दे चुका है। फांसी लगाने वाले जसवीर सिंह युवा थे, उनकी आंखों में अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने थे, लेकिन कर्ज के बोझ ने उनकी एक एक सांस को बोझिल कर दिया था। कर वाली डेथ हुई कर्जे का, ट्रैक्टर खरीदा सी जी, कर्जा बहुत ज्यादा सी। हां जी, 10 लाख रुपए बंद कर दो। ना जी, साडे नाल कोई गल बात नहीं, मैं तो एजेंसी वाले तंग करते थे, वो कहते थे भी जी तुम इन्ने पैसे भरो नहीं असं ट्रैक्टर लेके जाने, दबाव तो फिर खुदकुशी कर ली उन्होंने। जसवीर के पिता अपने बेटे के जाने का गम भुला नहीं सके और हाल ही में उनकी भी मृत्यु हो। ऐसा नहीं है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने की कोशिशें नहीं हो रही है, लेकिन मदद के अभाव में ये काम बहुत आसान भी नहीं है। ये लोग किसान से सिर्फ ऊपर कर्जा हो जाएगी,
कर्जे वाले घर गेड़ा मारन लग जाना ते घर दे खर्चे चलाउन लई पैसा कोई ना होवे ते उदो किसान नूं आत्महत्या करनी पै जांदी है। पंजाब का मालवा अब किसानों की आत्महत्या के लिए पूरे देश में बदनाम हो रहा है। मानसा के कुल धर्मो गांव में 4000 वोटर्स रहते हैं लेकिन इनके बीच करीब 20 से 25 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आरोप ये भी है कि कई बार किसानों को कपास जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर बेचने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा मौसम की मार और लचर सरकारी व्यवस्थाएं कई बार किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ती। सरकार में जो होता है एक फसल 6 महीने बाद आती है, ठीक है जी। 6 महीने क्या है, मेहनत करता है, 6 महीने के बाद क्या उसकी फसल खराब हो जाती है तो किसान के पास रह क्या जाता है जी। वही उसने खाना है जी, वहीं से उसने अपना घर चलाना है, वहीं से अपना उसने उधार देना है, वहीं से किस्तें भरनी है, वहीं से अपना सारा काम चलाना है जी। आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई लेकिन ज्यादातर योजनाएं कागजों के नीचे नहीं उतर पाती। किसान का जो खेत मजदूर जिम्मे कर्जा होना जरूरी है ते कर्जे का कोई वैलिड सबूत होना बहुत जरूरी है। सबूत तो बिना कर्जा नहीं मनिया जाता, कोई लोकल पर नोट लग जाए वो नहीं मनिया जाता। इस तो अगे पुलिस रिपोर्ट बड़ी जरूरी है, पुलिस रिपोर्ट होना जरूरी है, बंदे का पोस्टमार्टम होना जरूरी है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है लेकिन भारत के किसान किस तरह से कर्ज के बोझ की वजह से अपनी जान दे रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि हमारे देश के सिस्टम और राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को कभी वोट से ज्यादा कुछ समझा है। कभी पंजाब का किसान खुशहाल था, हर जगह खुशहाली थी लेकिन अब ये तूनी गलियां सारे मंजर को बयां करती। पंजाब में अब हाल हकीकत ऐसी है कि किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और अपने पीछे पूरा का पूरा परिवार छोड़ गए। बड़े बड़े दावे करने वाली पंजाब सरकार भी उनकी सुध लेने नहीं आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ अमित भारद्वाज, जी न्यूज पंजाब।